सत श्री अकाल जी। आज थोड़े वास्ते लेके आई हाँ राजस्थानी घेवर। घेवर जो कि सावन महीने बनाया जाता और खाने में बहुत ज़्यादा वधिया होता है। ये चाशनी वाला घेवर है और तुहानू नाल दिखा रही हाँ रबड़ी वाला घेवर। मेरा जो अपना पर्सनल फेवरेट है वह है रबड़ी वाला घेवर। वो मार्केट के अजकल आराम नाल घेवर जो है हर मिठाई वाली दुकान पर मिल जाएंगे। सो बनाना आसान है, शुरू कर दें। इसलिए आप सब तो पहले लिया है एक मिक्सिंग जार और ये लवेंगे 4 चम्मच आप देसी घ्यो। नॉर्मल जो घेवर है उन्होंने परात के घ्यो के बर्फ पा के चंगी तरीके हाथ के फेंटिया जाता है, बट आप मिक्सी के बनाने ये जोड़ा ये काम है आसान हो जाएगा। सो घ्यो 2-3 पीस आप बर्फ के पा के थोड़ा सारा मिक्स कर लवेंगे और घ्यो जो है इस तरीके जम चुकया है और हले थोड़ा सारा प्रॉपर मिक्स नहीं है। सो 2-3 पीस होर पा के आप एक बार फिर तो इन चंगे तरीके फेंट लवेंगे और हूँ जो पानी बच से वो पानी आप निकाल लवेंगे बाहर। हूँ आप लेना है इतने 1 कप मैदा लिया है और मैदे को आप थोड़ा थोड़ा करके पावेंगे और मिक्सी नू चला के मैदे नू इहदे विच मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो क्रंबल होंदा है एक तरीके का वो साड़ा तैयार हो जाए। सो मैदा सारा पा दिता है, ये हूँ आप पाया है 1 चम्मच बेसन और आप बिल्कुल ठंडा पानी वो लेना है मिक्स करांगे और नाल ही अद्धा जो नींबू है वह रस आप ये पा देवांगे। सो बैटर साड़ा बिल्कुल रेडी है। हाले थोड़ा संगना 1 कप मैदे दे विच टोटल 2.5 कप पानी जो है आपा वो यूज़ किया है मिक्स कर लवेंगे और ये बैटर नू हले आपा 5 मिनट लिए फ्रिज विच रख देंगे क्योंकि बैटर जो है घेवर बनाने लगे गर्म नहीं होना चाहिए। हूँ चाशनी बनावेंगे तो चाशनी के लिए आप दई है 2 कप चीनी और 1 कप पानी लेके आप एक तार की चाशनी बनानी है। कड़न देंगे चंगी तरीके नाल ही ये छोटी इलायची उन्होंने कुट के आप ये पा देंगे। सो चाशनी भी बन चुकी है, हूँ मैं नाल दे नाल रबड़ी भी बनने वास्ते रखी है। रबड़ी की प्रॉपर रेसिपी तुसी चैनल के उपर देख सकते हो। सो हूँ आप शुरू करांगे घेवर नू बनाना। सो घेवर बनाने लिए वैसे तो मोल्ड आते हैं, पर अगर मोल्ड नहीं है तो तुसी इस तरीके का कोई भी पतीला जिदे विच आपां तेल पावांगे तो तेल क्योंकि बहुत ज़्यादा उपर आता है इसलिए थोड़ा वो लवो भांडा जिदे विच घ्यो ज़्यादा उपर बाहर तक ना आए, या फिर तुसी इस तरीके का फ्राई पीन भी लै सकते हो। सो मैं फ्राई पिन दे विच घ्यो पा लिया है, हूँ एक बॉटल की हैल्प दे नाल मैं इस विच थोड़ा थोड़ा करके बैटर जो है उन्हों पा रही हूँ। एक बारी बैटर पावांगे तो थोड़ी देर लिए रुक जावांगे जब तक जो बबल्स आ रहे हैं बिल्कुल घ्यो दे वो ठंडे हो जाए और तुसी जो बबल जो है सैट हो रहा वो बाद ही मैं अगेन जो है दोबारा बैटर पा रही हूँ। सो थोड़ा थोड़ा करके बैटर पावांगे और इसे तरीके करते करते इहदी जो जाली है साइडा के उपर घेवर जो बनना है वो इकट्ठा शुरू हो जाता है हूँ। सो इस तरीके नाल ही आप थोड़ा थोड़ा करके बैटर जो है इस दे विच पाते रहेंगे और साडा घेवर जो है इस तरीके नाल बन के तैयार हो जाएगा। सो थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरीके नाल बैटर जो है तुसी उन्हों पाते रहो। सो इस प्रोसीजर दे नाल ही सारा घेवर जो है आप इस तरीके नाल बना लवेंगे और सेंटर दे विचो किसी भी चाकू दे नाल तुसी उन्हों हिला के उसका होल जो है वह बना सकते हो। सो मेरा एक घेवर बन के रेडी हो चुका और हूँ आप इन्हों कढ लवेंगे कि उहदे विचो इस तरीके नाल ही मैं बाकी जो है उन्होंने भी बना के तैयार कर लवांगी। तुसी देख सकते हो सेम प्रोसीजर ना जिस तरीके ना मैं पहला बनाया सी उस तरीके नाल ही मैं दोबारा बना रही हूँ। सो मेरे घेवर बन के रेडी हो चुके हैं और मैं हूँ जो चाशनी बना के रखी सी वो चाशनी नू आपां कड़छी दे नाल चाहे तो तुसी चाशनी दे विच पूरा डिप कर सकते हो, बट मैं इहनू पूरा डिप नहीं किया चाशनी दे विच, मैं थोड़ी थोड़ी चाशनी जो है घेवर के उपर इस तरीके फैला रही हूँ। हूँ जो रबड़ी वाला घेवर है उसके उपर भी मैं पहला थोड़ी सारी चाशनी पा देवगी और वो बाद दे विच मैं दे उपर रबड़ी लगा देवगी। वैसे मोस्टली कई की करते हैं जो आता है रबड़ी वाला घेवर उसके उपर चाशनी नहीं लगाते, बट मैं थोड़ी सारी चाशनी उसके उपर लगा देती है क्योंकि मैं रबड़ी जो है बहुत ज़्यादा मिठी नहीं बनाई है। सो इस तरीके किसी भी चम्मच के नाल रबड़ी जो है वो घेवर के उपर फैला देवे। सो पूरे घेवर नूं आपां इसे तरीके नाल कवर कर लवेंगे। हुण इहदे उपर आपां लगाना है सुके हुए रोज़ पेटल, मतलब कि सुकिया हुई गुलाब दीआं पंखड़ियां और ड्राई फ्रूट। तुसी कोई भी अपनी मर्जी का घेवर के उपर लगा सकते हो। सो तैयार है साडा अज का सावन स्पैशल राजस्थानी घेवर और तुहानूं किसी भी मिठाई शॉप से ईजीली घेवर जो है वो मिल जाएगा। सो तुहानूं अज की रेसिपी किस तरीके की लगी मैं कमेंट करके दसना और यह भी दसना तुसी चैनल के उपर होर कि रेसिपी जो है वो देखना चाहते हो और कॉडवर्ड के उपर तुहाडे लई वो रेसिपी आपां लैके आवांगे। सो अज का घेवर बहुत ज़्यादा वधिया बनया है, एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करो। आई एम श्योर तुहानूं ये रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा वधिया लगेगी।
सो साडा घेवर इन्ना सॉफ्ट सी कि उन्हूं उठाते उठाते ही वो टूटना शुरू हो चुका है। सो मिलते हैं अगली रेसिपी लई, देखते हो तो कॉर्वल। थैंक यू।